पिछले सप्ताह के बाजार के स्टार कार्यक्रम में हमने गणना की थी कि तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध के त्रिग्रही योग के कारण बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और बाजार को निश्चित दिशा नहीं मिलेगी। बाजार ने पिछले सप्ताह हमारी गणना के अनुरूप ही बिहेव किया है और निफ्टी पिछले सप्ताह करीब 125 अंकों की गिरावट के सतह बंद हुआ है और हमें पूरा सप्ताह बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिली है। ये त्रिग्रही योग 6 नवंबर तक चलेगा और 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इस समय केतु का गोचर भी तुला राशि में हो रहा है और इस लिहाज से मंगल, बुध, सूर्य तीनों राहु केतु से पीड़ित हैं और बुध इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि मंगल, केतु और सूर्य तीनों ही पाप ग्रह हैं। बुध इस समय अस्त भी हैं। इस बीच 23 सितंबर से अस्त चल रहे मंगल भी फिलहाल अगले साल 23 जनवरी तक अस्त ही रहेंगे। बुध के पीड़ित होने का बाजार का ट्रेंड मोटे तौर पर नेगेटिव ही रहेगा और अभी फिलहाल तेजी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस सप्ताह कोई ग्रह राशि नहीं बदल रहा है, लेकिन राहु डिग्री के लिहाज से अब मेष राशि से निकलकर मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे और 30 अक्टूबर से मीन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। मेष राशि से निकलने से पहले भी राहु बाजार पर नेगेटिव प्रभाव डालने का काम करेंगे। इस सप्ताह दशहरे के कारण 24 अक्टूबर को बाजार बंद रहेंगे और बाजार में 4 दिन ही कारोबार होगा। 23 अक्टूबर को चंद्रमा अपने श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, इससे हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर को चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इस दिन बाजार बंद रहेगा। 25 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर दोपहर 1:30 बजे तक राहु के सद्विशा नक्षत्र में होगा, इससे हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जबकि इसके बाद चंद्रमा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, इससे हमें बाजार में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस दिन लिकर कंपनियां, तंबाकू कंपनियों और एयरलाइंस और वित्तीय सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 26 अक्टूबर को चंद्रमा सुबह 11:30 बजे तक गुरु के ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसके बाद शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे हमें बाजार की दिशा पहले हाफ में पॉजिटिव नजर आएगी और इसके बाद बाजार में सुस्ती देखने को मिल सकती है। इस दिन बैंकिंग कंपनियों और मेटल के शेयरों में खास फोकस बनता हुआ नजर आएगा, जबकि 27 अक्टूबर को चंद्रमा बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, इससे हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लिहाजा इस दिन पोजीशन बनाने से पहले सावधानी के साथ काम लेना जरूरी है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।